हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंड्स फिर उपस्थित हैं आपके साथ कुछ नए टॉपिक पे, कुछ नई जानकारी के साथ। और आज हम सीखेंगे कि एडेनियम के कोडेक्स को बड़ा कैसे करें और सुंदर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, पहली बात कि मैंने इसे अभी तक निकाला नहीं है, लास्ट ईयर से जो रिपोर्टिंग मैंने किया है अभी तक निकाला नहीं है। तो चलिए इसे निकालते हैं और इसे देखते हैं कि कैसे सीखते हैं इसे, कि इसके कोडेक्स को कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बाहर निकाल दिया है। आइए देखिए, रूट बॉन्ड हो गया है पूरा के पूरा रूट, ये देखिए। तो इसे बाहर निकालते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा रूट से इसका ग्रो हुआ है और इसे कितना सुंदर कोडेक्स है। इसे मैंने धो दिया और एक भी रूट्स खराब इसका नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका रिपोर्टिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मिट्टी को तैयार कर लिया है। इसमें नए मिट्टी में मैंने साफ फंगिसाइड मिला दिया है और कंपोस्ट मिला दिया है और इसमें नीम केक मिला दिया है। तो आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं। और आप पुराने वाले मिट्टी को भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते उसमें आप साफ फंगिसाइड डाल दें और जो पुराने रूट है उसको हटा दें। तो मैं पुराने रूट मिट्टी को भी इस्तेमाल करने वाला हूँ इसी में। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें रिपोर्टिंग कर दिया है और आप देख रहे हैं कि पहले से मैंने सेलो पॉट में लगा दिया है, पहले इस पॉट्स में लगा हुआ था। और ये करीब 5 इंच के करीब गहरा होगा। तो फ्रेंड्स, आप जब कभी आप एडेनियम को रिपोर्टिंग करते हैं तो आप कोशिश कीजिए छोटे से छोटे पॉट्स में रिपोर्टिंग करने के लिए, क्योंकि जब हम छोटे पॉट्स में रिपोर्टिंग करते हैं तो इसका कोडेक्स नीचे की ओर ना जाकर ऊपर की ओर फैलता है। ऐसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि हम पॉट्स को, सही पॉट्स को चुने। जैसे कि आप देख रहे हैं एडेनियम है बहुत बड़े बड़े, लेकिन मैंने इन्हें छोटे पॉट्स में लगाया है। और दूसरा फ्रेंड्स, कि आप देख रहे हैं कि ये वाइट वाइट दिख रहा है, जब मैंने रिपोर्टिंग किया है तो ये काफ़ी ऊंचा लगा दिया है मैंने। इसमें तो 3 इंच मैंने ऊपर ऊंचा उठा दिया है, इसमें 2 इंच मैंने ऊपर उठा कर लगाया है। तो आप जब कभी आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप उस एडेनियम को 2 या 3 इंच आप ऊपर उसके साइज के अनुसार उसको ऊपर कर सकते हैं। और तीसरा नंबर पे आता है एडेनियम की छटाई। आप जितना एडेनियम की छटाई करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही ज़्यादा इसके कोडेक्स क्या होगा, बड़ा होते चला जाएगा। और ये दोनों मेरा सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है फ्रेंड्स। इनका एज 2 से 2.5 साल एज हो रहा है फ्रेंड्स इनका। इनका कोडेक्स इसलिए इतना जल्दी ग्रो कर गया कि मैंने इन्हें हाइब्रिड सीड से ग्रो किया था। और इनका कोडेक्स देख सकते हैं, कितना सुंदर सुंदर कोडेक्स इसका आया हुआ है फ्रेंड। और इसका देखिए, और अभी मैं क्या करूँगा कि अभी जो रूट्स जो बाहर निकले हुए छोटे 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 छोटे, वो रूट्स को मैं हटा दूंगा और जो मोटे मोटे रूट्स होंगे मैं केवल उन्हीं को रखूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एडेनियम के कोडेक्स बड़े नहीं हो रहे हैं तो ऐसे ज़रूर कीजिए रिपोर्टिंग। और कभी भी डीप पॉट्स को मत चूज कीजिए एडेनियम को कोडेक्स अगर आप बड़ा चाहते हैं तो। इसे भी देख लीजिए, ये लास्ट ईयर इतना नीचे था मिट्टी के अंदर, फिर लास्ट ईयर मैंने ही इसे इतना पर ऊपर उठाया था और इस बार देख लीजिए मैंने कितना ऊपर उठा के इसे लगाया है। और इसमें फर्टिलाइजर में आप इसे देख कोडेक्स को ज़्यादा बड़े होने के लिए कोडेक्स को 15 से 20 दिन में इतने छोटे पॉट्स में 8 से 10 DAP के दाने इसमें डाला करें आप, उससे कोडेक्स क्या होता है, बड़ा होते चला जाता है और रूट्स स्ट्रांग होते चले जाते हैं DAP से। ओके फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें कि मेरा हर एक अपडेट आपको मिल सके। Bye my friends.